वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये फंगस का फोर्थ डिवीजन है, फंगस का फोर्थ डिवीजन, जिसमें से तीन डिवीजन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये फोर्थ है, लास्ट भी कह सकते हैं। इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में कि विच डिवीजन ऑफ फंजाई इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, तो उसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिट्स। और क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक फाउंड नहीं हुआ, या तो है नहीं या डिस्कवर नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। फंजाई तो है बट इम्परफेक्ट है। नेक्स्ट, अगर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइंड हो गया, कोई डिस्कवर कर लिए कहीं से, तो जिस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग पीछे जो हम लोग तीन टाइप पढ़े थे फंजाई का, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स, तो इसमें से किसी में रख दिया जाता है। जनरली एस्को और ड्यूटेरोमाइसेट्स में, एस्कोमाइसेट्स या ड्यूटेरोमाइसेट्स में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी से उसका प्रॉपर्टी मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिट्स में, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में एसेक्सुअल स्पोर मिलता है, जिसको हम लोग कोनिडिया कहेंगे। कोनिडिया होता है एसेक्सुअल स्पोर किसका, ड्यूटेरोमाइसिट्स का। और उसमें मोस्ट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है वो डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर यानी कि जो किसी चीज को सड़ा गला देता है, सड़े गले, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, तो ये क्या करेगा, लीटर वगैरह को क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करके क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉयल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से इसका मेन वर्क क्या हो गया कि ये मिनरल साइकिल में हेल्प किया। कैसे मिनरल साइकिल में हेल्प किया, जैसे क्या होता है, प्लांट क्या करता है, सॉयल से न्यूट्रिशन लेकर के और प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाया, और इससे एनिमल में मिला, फिर प्लांट और एनिमल या माइक्रोब्स जो भी है वो डेड के बाद डीके हो गए, डेड हुआ फिर डीके करने लगा, और उसको डिकम्पोजर क्या किया, ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होगा वो डिकम्पोज करके फिर से सॉयल में डाल दिया। यानी कि जो सॉयल से न्यूट्रिशन प्लांट लिया था उसको ये डिकम्पोजर उसमें फिर से रिटर्न कर देगा। तो ये मिनरल साइकिल में हेल्प किया ना, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स किस में हेल्प किया, मिनरल साइकिल में। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल के बारे में भी खूब पूछा जाता है, क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग वाला है। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है अल्टरनारिया। अल्टरनारिया जो होता है वो अर्ली ब्लाइट, पोटैटो का अर्ली ब्लाइट डिजीज है, जो किसके कारण होता है, अल्टरनारिया के कारण। दूसरा है कोलिएटोट्राइकम। कोलिएटोट्राइकम आपको रेड रोट डिजीज, शुगर केन का, शुगर केन में रेड रोट डिजीज हो जाता है। शुगर केन का जो स्टेम देखिएगा कि रेड रेड कलर का हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, कोलिएटोट्राइकम के बारे में, ट्राइकम के कारण। नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको देखने हैं, जिसमें दो के डिजीज के बारे में भी आपको स्टडी करना है। तो इसमें पूछने वाला क्वेश्चन क्या क्या हो गया, तो विच इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है उसमें, कोनिडिया से। और मोस्ट ऑफ देम क्या है, डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर होने के कारण, यानी कि मिनरल साइकिल में कौन सा फंजाई सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ड्यूटेरोमाइसिट्स। और इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अल्टरनारिया कौन सा डिजीज प्रोड्यूस करेगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। या ये भी पूछ सकता है कि पोटैटो का अर्ली ब्लाइट किसके कारण होता है, अल्टरनारिया के कारण। रेड रोट ऑफ शुगर केन किसके कारण होता है, कोलिएटोट्राइकम के कारण। ओके, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।